We are here at NDTV Yuva, and I have somebody who is very famously known as Baba Jackson. Baba Jackson, welcome to NDTV Yuva. Thank you so much. यार आपका हमने डांस मूव्स वगैरह देखा, बड़ा मज़ेदार था, बहुत ही अमेजिंग था. हाउ डू यू गेट दिस एजिलिटी, कहाँ से लेके आते हो आप इस तरह की एजिलिटी? बिकॉज आई कीप ट्राइंग टू डू डांस मूव्स बट हो नहीं पाता है. ये मेरे जूतों में एक खासियत है, ये जूते कुछ खास चीज़ से बने हुए हैं. ये चंद मामा सुर की खाल से बने हुए हैं ये जूते. नाइस. सो इसको जैसे ही पहनता हूँ, कोई भी पहनता है तो इसको शुरू हो जाता है जिधर भी होता है. सो दिस इज़ द सीक्रेट. दिस इज़ द सीक्रेट. ऑन अ सीरियस नोट, आपका नाम बाबा जैक्सन. वेरी क्लियरली इट्स बीन, आपने जो है वो इंस्पिरेशन माइकल जैक्सन से एक तरह से जो है वो लिया हुआ है. यू ड्रेस लाइक हिम, यू डांस लाइक हिम अ लिटिल बिट, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑल्सो. सो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि ठीक है माइकल जैक्सन? ऑथेंटिसिटी क्या होता है? सॉरी, कॉन्शियस डिसीजन जो है वो ये होता है कि आपने मतलब जो है वो ये आपको पता था कि ठीक है मैं ये कॉपी जो है वो माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड हूँ, बट मेरा अपना क्या क्या ला सकता हूँ उसमें? कितनी डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, वो चीज़ लाने में बीच में? एक्चुअली पहले तो जो बेसिक है वो सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप लोग कुछ इन्वेंशन कर पाओगे. यू नो ये हर चीज़ में लागू होता है. जैसे आप फिजिक्स भी करते हो तो फिज़िक्स का जो क्या है ना, बेसिक रूल्स आपको पहले पढ़ने पड़ते हैं, तभी आप फिज़िक्स ब्रेक करोगे ना स्टेज पे. तो उसी तरह है, पहले मैंने बेसिक सीखा, बेसिक सीख के लाइक देन अपना दिमाग चलाने का और न्यू चीज़ें इन्वेंट करने का वो वाला प्रोसेस. सो NDTV युवा पे हम यहाँ पे सारे जेंजी क्राउड आई हुई है, आपको जो फॉलो करती है, आपको जो देखती है, आपको कॉपी करने की कोशिश करती है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? पहले देखो क्या है, कॉपी तो किसी का करो मत, हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करो, चाहे कोई भी स्टाइल हो. मैं भी कोशिश करता हूँ अपग्रेड करने की, अपनी चीज़ें ऐड करने की. सो डोंट ट्राई टू बी एनीवन्स यू नो शैडो, हमेशा खुद का एक पहचान बनाने की कोशिश करो, तो लोग ज़्यादा टाइम तक याद रखेंगे. और एक आखिरी सवाल कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या था और सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या था? वर्स्ट फाइनेंशियल क्या वर्ड है वो? डिसीजन. हाँ डिसीजन वो था दोस्तों पे भरोसा करने का. और बेस्ट डिसीजन था वो अभी तक सोचा नहीं मैंने कौन सा बेस्ट था. हो जाएगा तो बताऊंगा. ओके.